शर्म आनी चाहिए इन लीडरों को जो यहाँ आके इनके वादे कर रहे हैं। इनके सामने यहाँ सारे लीडर आ रहे थे, सारे इनको बोल रहे थे हम वो करेंगे, ऊपर चिट्ठियां भेज रहे के। मेरी बात सुनिए, जब उन्होंने लेने होंगे बोर्ड, फिर वो बोलेंगे हमारे सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, इतने करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया। अब पूछिए ना आज दो ना इन लोगों को राशन, इनको दो सिलेंडर, इनको रहने के लिए जगह दो। जो भी छोटी सी बात होगी हमारे मोदी जी करके, मैं कहता हूँ मोदी जी करेंगे तो बात की बात है। आप लोग करो आगे, यहाँ उन लोगों को मैं आपके माध्यम से वार्निंग देना चाहता हूँ। अगर उन लोगों को लोग कहते हैं ना कि हमारे लोग वोटों के लिए जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ तलवाड़ा के लोगों को बोलेंगे हम, आप लोगों को वोट दें, बना के दो इनको, पाँच पाँच मरले में जमीन बना के दो। तलवाड़ा के लोग उन लोगों को वोट देंगे जो बना के देंगे। बातें करने से कुछ नहीं, ये बोलेंगे अभी सड़क में बैठना है मैं अभी बैठूंगा, अगर ये बोलेंगे डीसी दफ्तर के बाहर बैठना है मैं तब बैठूंगा, क्योंकि इन लोगों की मैंने देखी। उस लोगों उन लोगों को वोट देना जो लोग आपको क्वार्टर बना के दें, पांच पांच मरले जमीन दें, उन लोगों के साथ चलना। अगर कोई नहीं आएगा, बाधा करेगा, काम करेगा, फिर उसको वोट देना। अगर वो नहीं करेगा बिल्कुल आप उसको बाइकॉट करना, उसको जूते मारना, यहां दोबारा अपनी तलवाड़ा के अंदर नहीं। कश्मीर के माइग्रेंट हैं आज हमारे जो माइग्रेंट हैं, हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट हुआ, रजौरी डिस्ट्रिक्ट हुआ और रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए माइग्रेंट, ये भी मिलिटेंटों ने इनको मारा तो ये माइग्रेशन होके यहाँ तलवाड़ा में और पौनी में और आपके किसी दूसरे एरिया में रियासी में जाके बसे। आज यहाँ के जो माइग्रेंट हैं हमारे तलवाड़ा के, इनकी क्या बुरी हालत है। मैं यहाँ कोई लीडर नहीं हूँ, ना मुझे मेरा कोई एरिया, लेकिन ऐसे समाज सेविक मैंने आपको फ़ोन किया था, जो मेरे से हेल्प होगी मैं लोगों की तरह यहाँ फोटो खिंचाने, यहाँ आपको ये नहीं कहूँगा कि मारे गवर्नमेंट से कुछ करूँगा, ठीक है ना। जितनी ये मशीनें लगाई मेरे में इतना दम है कि मैं अपनी जेब से यहाँ मशीनें लगा सकता हूँ। आप उनको नहीं बताते कि मारे इधर कैसे रहना, उनको के रोजा जरा उनको पूछो, उनकी जब वो आते हैं तो लोग बजाते हैं ताड़ियाँ, मारे बड़ा अच्छा हो गया, मारे हो गया। इन लोगों को आपने पूछना चाहिए, तेल पकड़ो पकड़ो, तेल इधर आओ, एक आटे की चावल दी, चलो के दाल दे, नमक तो चलो इधर आ लो। तलवाड़ा माइग्रेंट कॉलोनी में पिछले दिनों फ्लड आने के बाद आप सब जानते हैं कि सबकी निगाहें यहां पर हैं। आज जो है सोनू ठाकुर और केवल सिंह जी यहां पर पहुंचे हैं, क्या कुछ देखते हैं इनसे जानते हैं, क्या देखा आपने इन लोगों की सिचुएशन, क्या आप जब आते हो तो उन लोगों को उम्मीद होती है आप कोई हेल्प आएगी साथ में, क्या आप हेल्प इन लोगों को कर रहे हो पहले ये बताओ। देखिए राहुल जी मैं आपको बताऊँ, पहले नंबर तो मैं आपको बताऊँ मैंने इन लोगों से माफ़ी मांगी है कि आज तीन चार दिन हो गए हैं उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मुझे मैंने इन लोगों से इस चीज़ की माफ़ी मांगी है। मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी या चाहे डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में कहीं भी ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो सोनू ठाकुर वहाँ पहुँचता है, आप सब लोग देखते हैं। लेकिन मैं यहाँ आउट ऑफ स्टेट था, मैं कहीं बाहर था, उसकी वजह से मैं यहाँ नहीं पहुँचा, इसके लिए इनसे मैंने माफ़ी मांगी। लेकिन मैं मीडिया आपके मीडिया के माध्यम से सबको देख रहा था, यहाँ सारे लीडर आ रहे थे, सारे इनको बोल रहे थे हम वो करेंगे, ऊपर चिट्ठियाँ भेजते हैं, अगर वो लोग इनकी कुछ मदद करते जो जिस तरीके की इनकी लोगों की मैंने हालत आज देखी है ना, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा फ्लड। मैंने पिछले दिनों बांसा में वहाँ गया, वहाँ भी लोगों की बड़ी लोगों की बुरी हालत है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ मैंने जब हालत देखी ये उससे भी बहुत बुरी हालत है लोगों के लिए, बैठने के लिए कोई ऐसा घर नहीं है, जो बचा भी है उसके अंदर भी पानी आ रहा है, बुरी हालत है मैं आपको बताऊँ। लेकिन मैं किसी गवर्नमेंट से या किसी से कोई विनती नहीं करूँगा, मेरे से जो होगा, जो इन लोगों ने मुझे 50 बंदों की लिस्ट दी है इनके लिए मैं पूरी इनकी मदद करूंगा और इनको प्रॉपर जो घर में यूज होने वाला जो राशन है इसकी पूरी मैं इनका बंदोबस्त करके जाऊंगा और देके जाऊंगा। और ये आपसे माइग्रेंट्स बात कर रहे तो क्या कुछ बता रहे हैं जब फ्लड आने के बाद कैसे रह रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या बताना है, मेरी खुद ही दो आंखें हैं जैसे बाकी वालों की हैं जो लोग कल यहाँ आए थे, मैं खुद देख रहा हूँ, मैं ये लोग मुझे क्या बताएंगे। मैं अभी देख रहा था एक माता जी की हैंडीकैप है, बुरी हालत है उनकी, बिजली यहाँ तक नहीं है, आप मुझे हमें देखिए कितना पसीना, इतनी बुरी हालत है यहाँ लोगों के, बिल्कुल घर डैमेज हो गए। शर्म आनी चाहिए इन लीडरों को जो यहाँ आके इनके बातें कर रहे हैं इनके साथ, उन्होंने तुरंत इनका काम करना चाहिए, इन लोगों को बेनिफिट देने चाहिए। कि मेरी बात सुनिए, जब उन्होंने लेने होंगे बोर्ड, फिर वो बोलेंगे हमारे सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, इतने करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया। अब पूछिए ना आज दो ना इन लोगों को राशन, इनको दो सिलेंडर, इनको रहने के लिए जगह दो, राशन चलो ये हम दे देंगे और लोगों से ले लेंगे। मैं चाहता हूँ सबसे पहले इन लोगों के लिए रहने के लिए बंदोबस्त करें। आप देखिए जिस तरीके की हालत है, जिस तरीके की बारिश हो रही है ना, तो मुझे नहीं लगता जो बाकी वाले जो घर बचे हैं ना ये भी डैमेज, ये तलवाड़ा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और गवर्नमेंट को जो मैं अपील करना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इन लोगों का हल करें, अगर ये जल्दी हल नहीं करेंगे तो मैं इन लोगों को कहूँगा जहाँ ये मेरे को बोलेंगे मैं इनके साथ वहाँ धरने पे बैठने के लिए तैयार हूँ। क्या रिलीफ आप इनको देके जाओगे। देखिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मैं कोई
कोई इनको ये नहीं कहूंगा कि मैं इनको क्या रिलीफ दे, ये लोग खुद बताएंगे जो मेरे से होगा मैं आज अभी इनको जो अपनी तरफ से जो रिलीफ होगा दे के जाऊंगा, मुझे कहीं किसी से मांगने की जरूरत नहीं है और मैं अपनी तरफ से दूंगा, ना किसी मैं किसी पार्टी की तरफ से देता हूं और मैं अपनी तरफ से दूंगा और मैं इन लोगों की पूरी मदद करूंगा जहां ये बोलेंगे। अगर ये बोलेंगे अभी सड़क में बैठना है मैं अभी बैठूंगा, अगर ये बोलेंगे डीसी दफ्तर के बाहर बैठना है मैं तब बैठूंगा, क्योंकि इन लोगों की मैंने देखी बुरी हालत। देखिए आप छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल यहां बंद है और मैं आपको बताऊं राहुल जी बुरी हालत है, मैं आपको बताऊं लोगों के घर बिल्कुल तबाह हो गए हैं, जो बचे हैं वो भी पहले ही टूटे हुए हैं, पुरानी मैं आपको बताऊं कम से कम 30-40 साल 50 साल की ये टीनों वाले ये शेड बने हुए हैं, सीमेंट की टीनें पड़ी हुई हैं, आजकल तो सीमेंट की टीनें होती नहीं है, मैं पहली बार देख रहा हूं सीमेंट की टीनें, बुरी हालत है लोगों की मैं आपको बताऊं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों को, ऐसी गवर्नमेंट को जो अभी तक इन लोगों का कुछ उन्होंने मसला हल नहीं किया। डीडीसी की इलेक्शन हुई थी तब कुछ लोगों ने कहा था कि सोनू ठाकुर जो है वो इलेक्शन में खड़े होने के लिए लोगों के पास जाता है मुसीबत में, आज आप बताना चाहेंगे कुछ उन लोगों को? देखिए राहुल जी मेरी बात सुनिए, मैं श्री माता वैष्णो देवी कांस्टेंसी का रहने वाला हूं और एक मैं समाज सेवी हूं और मैं पंच हूं पुराना द्रूड़ गांव से, मैं अगर बांसा में अगर गया वहां मेरी कोई पंचायत नहीं है, वहां एसटी सीट है, रियासी में ले इन लोगों का मेरे साथ प्यार है, जहां ऐसी दिक्कत आती है मैं वहां जाना चाहता हूं। अगर ये जो आप कह रहे हैं कि लोग ये कहते हैं उन लोगों को मैं आपके माध्यम से वार्निंग देना चाहता हूं, अगर उन लोगों को लोग कहते हैं ना कि हमारे लोग वोटों के लिए जाते हैं, मैं आपको बताता हूं तलवाड़ा के लोगों को बोलेंगे हम आप लोगों को वोट दें, बना के दो इनको 5-5 मरले में जमीन बना के दो, तलवाड़ा के लोग उन लोगों को वोट देंगे जो बना के देंगे, बातें करने से कुछ नहीं होगा, जो भी छोटी सी बात होगी मारे मोदी जी करके मैं कहता हूं मोदी जी करेंगे तो बात की बात है, आप लोग करो आगे, यहां आज देखिए लोगों की बुरी हालत, आज करें ना वो, आज देंगे तलवाड़ा के लोग वोट, क्यों नहीं देंगे, अगर 25 लाख लोगों को बाहर के लोगों को राइट दिया जा रहा है इन लोगों को राइट दो, ये लोग देंगे उस पार्टी को वोट जो इनको मकान बना के दें, मैं इन तलवाड़ा वासियों से अपील करूंगा आप उन लोगों को वोट देना जो लोग आपको क्वार्टर बना के दें 5-5 मरले जमीन दें, उन लोगों के साथ चलना, अगर कोई आएगा बाधा करेगा काम करेगा फिर उसको वोट देना, अगर वो नहीं करेगा बिल्कुल आप उसको बाइकाट करना, उसको जूते मारना, यहाँ दोबारा अपनी तलवाड़ा के अंदर नहीं घुसने देना। चलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हैं केवल सिंह जी, केवल सिंह जी आपके इलाके से ही पास ही आपका इलाका वहीं से आते हैं ये लोग सारे लोग, जो क्या आप समय नहीं आ गया इन लोगों को आस्ता आस्ता प्लान अपने घर की तरफ? बेसिकली मैंने तलवाड़ा में पहले भी मीटिंग की थी, मेरा तो ये था आज तो सबसे पहले मैं भी आज 4 दिन के बाद जहाँ पे आया हूँ मैं भी किसी यात्रा पे था, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जैसे सोनू ठाकुर जी ने बड़ी तफसील के साथ जहाँ पे सारी बातें रख दी आपके सामने, जो गवर्नमेंट के खिलाफ रखनी थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ की उनके खिलाफ रखनी थी, ये जो आज हमने पूरे क्वार्टर जहाँ पे आपके देखे, जितने लोगों के क्वार्टर देखे, लोगों की बुरी हालत है, आपने देखा एक माता जहाँ पे हमारी बहन हैंडीकैप 20 साल से बेड पे, बच्चे मैंने छोटे छोटे देखे वो ऐसे नीचे ग्राउंड पे सोए हुए बच्चे देखे, बड़ी बुरी हालत है। मैं कहता हूँ कि जहाँ पे जो लोग हमारे एरिया के लोग हैं जब 1998 में जहाँ पे आए थे इन्होंने तब भी मुसीबत देखी थी, उसके बाद आस्ता आस्ता जहाँ पे सेटल हुए, जहाँ पे पुरानी गवर्नमेंटें जो थी उन्होंने जहाँ पे इनको क्वार्टर दिए, जहाँ इनकी रिलीफ लगाई, आज मैं कहता हूँ उस दुनिया में वो लीडर नहीं है जिन्होंने जिस लीडर ने जहाँ पे मदद की थी। आज मेरा ये कहना है, मैं ये कहता हूँ कि जैसे कश्मीर के माइग्रेंट हैं, आज हमारे जो माइग्रेंट हैं, ये हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट हुआ, रजौरी डिस्ट्रिक्ट हुआ और रियासी डिस्ट्रिक्ट के माइग्रेंट, ये भी मिलिटेंटों ने इनको मारा तो ये माइग्रेशन होके जहाँ तलवाड़ा में और पौनी में और आपके किसी दूसरे एरिया में रियासी में जाके बसे हैं, इसी तरह कश्मीर के लोगों को मिलिटेंटों ने मारा और जम्मू में आपने देखा कि जगटी के अंदर इतनी बड़ी कॉलोनी बना के दी है, उसके अंदर कॉलोनी 3 बेडरूम वहाँ पे फैसिलिटी दी है, 2 बेडरूम फैसिलिटी दी है, मेडिकल फैसिलिटी अंदर दी है, आपको शॉपिंग कम्प्लेक्स अंदर दिया है, आपको एजुकेशन की फैसिलिटी अंदर दी है। तो आज जहाँ के जो माइग्रेंट हैं हमारे तलवाड़ा के, इनकी क्या बुरी हालत है, कब से ये किसी टीन के शेड में रह रहे हैं, गर्मी में जब इनके 3-4 महीने गर्मी के होते हैं, ये गर्मी में इनके बच्चे मर जाते हैं और ये बीमार हो जाते हैं, जब इनकी सर्दी होती है सर्दी में इनके कई बुजुर्ग और बच्चे जहाँ पे बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। मैं कहता हूँ बड़ी बुरी हालत है। आज गवर्नमेंट बड़े बड़े वायदे कर रही है हमें हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, कहाँ हिंदुस्तान को ले जा रहे हो, एक बजरी ऊपर से आई है वो भी मेरे ख्याल क्रैशर वालों को ये गवर्नमेंट भेज रही है वहाँ पे, और ये जो फ्लड ऊपर से आ रहा है ये बजरी छोड़ेगी, मुझे लगता है कि ये आधे से ज़्यादा तलवाड़ा जो कॉलोनी है ये सारी बहकर ले जाएगी। मेरी गवर्नमेंट से, मेरी एलजी से, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि इनको जो लोग इस पस्सी के नीचे आए हैं, लैंडस्लाइड के नीचे जो लोग आए, मैं कहता हूँ इनको इमीडिएटली इनको 5-5 मरले जगह दे के और इनके लिए क्वार्टर बना के वहाँ इनको बसाना चाहिए, ये मेरा कहना है, ये हमारा कहना है।
ऐसे सब नेता आ रहे हैं, आप भी वैसे आए, कोई हेल्प वेल्प भी करेंगे? बिल्कुल, मैं और सोनू ठाकुर जी आज आए, बिल्कुल लोगों की हेल्प करेंगे। अभी आपके सामने सोनू ठाकुर जी ने तफसील के साथ कहा, हम इकट्ठे हैं, जो लोगों की सेवा होगी, जो हेल्प होगी, बिल्कुल जाऊँगा। कोई भी माइग्रेंट जी अभी ये जितने भी अभी तलवाड़ा में कॉन्स्टिट्यूएंसी रियासी में आई है, तो अभी लीडर आ रहे हैं सारे, आपको लगता है? नहीं, आज वो बात नहीं, आज अगर जो आदमी जहाँ पे आएगा कि नहीं जी फलानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए, फलानी कॉन्स्टिट्यूएंसी आए, आज अगर कोई वोटों के लिए जहाँ पे बात करेगा, मैं कहता हूँ सबसे बेईमान आदमी होगा। आज जो आदमी जहाँ पे आएगा, आज जो आदमी मुसीबत में है, जो फैमिली मुसीबत में है, हम कहते हैं उनकी मुसीबत का हल करने के लिए, जाला करने के लिए आज हम जहाँ पे आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे केवल सिंह जी, आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता डिस्ट्रिक्ट रियासी के यहाँ पर पहुँचे माइग्रेंट कॉलोनी तलवाड़ा में, और फिलहाल ये जो है इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और सब लोग जो है इस समय आ रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन भी और पुलिस भी लगातार इस चीज़ को देख रही है कि इन लोगों को किस तरीके से जो है वो परमानेंट इन लोगों का हल किया जाए। देखते रहिए न्यूज़ पोस्ट 88, राहुल कपूर कैमरामैन अमन शर्मा के साथ, जो है हिंद, धन्यवाद।